हाय हाय गाइस, गावंद पाकिस्तानी फैमिली तो राके, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है नाना जी। यार। भारतीय मुसलमान बच्चों ने माना उनकी शिक्षा का राज सिर्फ उसे मोदी जी देकर पाकिस्तान में मातम। मुसलमान बच्चों ने माना? हाँ क्या बोल रहे हो यार? हाँ? यार भाई मैं देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं आखिर मुसलमान बच्चों ने क्या बोला है। यार वही ना, हाँ? देखो मुसलमान हमेशा से मदरसा छाप ही रहे, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात। देखो मैं खुद मुसलमान हूँ लेकिन इस बात को मैं ज्यादा मानूंगा। हमारे यहाँ ज्यादा कहते हैं कि भाई दुनिया की एजुकेशन में कुछ नहीं रखा, हाँ, मदरसे की एजुकेशन, लेकिन आगे से वो मदरसा में पढ़ाने वाले भी ऐसे हैं कि क्या बंदा उनको भी बोले। ऐसा ही हाल है ना। वही ना, वो फिर आगे से कुछ और ही सिखाते हैं। लेकिन अब ये वॉच करते कड़न करते स्टार्ट। सब चोर हैं, सब चोर हैं। जब से बीजेपी आई मोमडन खुश है। सबसे अच्छी खास बात क्या है मुसलमानों में, हम मतलब पढ़ाई की तरफ को चल पड़े, जो कि हम नहीं पढ़ते थे बिल्कुल। मेहनत मजदूरी कूड़ा कचरा ये काम करते थे। और कम से कम 10 साल आप मोदी जी को और दे दो, मुसलमान आपको अलग ही लेवल में मिलेगा, ये लिख के ले लो आप। जब देश आजाद हुआ 47 के बाद, मुसलमान की कंडीशन क्या थी और आज क्या कंडीशन है? कांग्रेस थी ना 70 साल तक, क्या हमने हमें क्या दिया? सिर्फ हमें टायर पंचर दिया, कोई रोजगार दिया? मोदी के सामने कितने भी टिक लेना, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं ही टिकेगा। और लिख के देता हूँ जिसको डर है मेरे साथ, वो इस बात के लिए आगे सामने बात करे। जो तो काम मोदी ने किया है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया। मैं हालांकि मोदी को वोट नहीं दिया आज तक, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप बाहर फील्ड में निकलो ना आपको पता चलेगा। क्या नाम है आपका? जुनेद खान। जुनेद एक बात बताओ, आप तो युवा हो, अखिलेश यादव भी युवा हैं, और मैं बताता हूँ सबसे, राहुल गांधी भी युवा हैं। सब चोर हैं, सब चोर हैं। जब से बीजेपी आई मोमडन खुश है। सबसे अच्छी खास बात क्या है मुसलमानों में, हम मतलब पढ़ाई की तरफ को चल पड़े, जो कि हम नहीं पढ़ते थे बिल्कुल। मेहनत मजदूरी कूड़ा कचरा ये काम करते थे। आज आप जा मुसलमान रिक्शा चला रहा, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहा, वोट एवर कर रहा हो, लेकिन अब अपने बच्चों को पढ़ा रहा हो। उसके परिवार में सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर निकल रहा। आप किसी कॉलोनी में जाके देख लो, शामली की सबसे शिक्षित कॉलोनी है सलेख विहार गुलशन नगर, आप जाके देख लो, हर एक परिवार में आपको एजुकेटेड लोग मिलेंगे। नवाज पढ़ के आए जी, जी आप बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि आप बच्चे जो है मुस्लिमों के वो रिक्शा चलाने में नहीं, पंचर लगाने में नहीं, वो टाइम गया। और कम से कम 10 साल आप मोदी जी को और दे दो, मुसलमान आपको अलग ही लेवल में मिलेगा, ये लिख के ले लो आप आज। देंगे आपकी बार तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कुछ हटाएंगे, आप हटवा लेना, आप हटवा लेना। अरे हम क्यों हटाएंगे, आप लोग वोट हटेगा ही नहीं। आप ही तो हटा सको, कहीं नहीं जाने के अखिलेश जी, मोदी मोदी जी कहीं नहीं जाने के, नहीं वाले कहीं भी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद के, अरे मुसेरी भाई इकट्ठे हो जाइयो, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का, लिख के ले लो। गठबंधन मजबूत है, फेविकोल के जोड़ नहीं है। किसका जोड़? फेविकोल पानी का जोड़, पानी का जोड़। अखिलेश यादव ने चाचा को सीट तो दे दी, चाचा यूं से सांसद, चाचा किसको दे दी? चाचा वहीं जाए, उसका चाचा देगा, वो उसका भतीजा देगा। मोदी पे ज्यादा विश्वास क्यों है? मोदी पे विश्वास नहीं है भाई, मोदी काम कर रहा। क्या नाम है आपका? नफीस अली। नफीस अली, नवाज पढ़ लिया? हाँ जी बिल्कुल, आज जुमा था जी। अच्छा ये बताइए कैसे देखते हैं 24 का चुनाव चल रहा है, नेताओं की तैयारी तो हो गई, कोई किसी के साथ गठबंधन कर रहा है, कोई किसी के साथ। जिस तरह एक व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के फार्मूले इस्तेमाल करता है, इसी तरह गठबंधन अपना गठबंधन मजबूत करने के लिए इससे कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो, मोदी को हटा दो, जो भी आएगा वही चोरी करेगा। अब जो मोदी को करना था कर चुका, अब देश ग्रोथ की तरफ है। अगर आपको देखना है तो बाहर निकलो, क्या ग्रोथ है आपका, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, कंस्ट्रक्शन वर्क देख लो, गैस लाइन ऑनलाइन देख लो, सब कुछ जो है वो ग्रोथिंग पे है। और आपको सबसे, जब देश आज़ाद हुआ 47 के बाद, मुसलमान की कंडीशन क्या थी और आज क्या कंडीशन है? कांग्रेस थी ना 70 साल तक, क्या हमने हमें क्या दिया? सिर्फ हमें टायर पंचर दिया, कोई रोजगार दिया? अभी 2014 में 14-16 में जो ISIPS के UPSC के एग्जाम आउट हुए, उसमें 70 मोमडंस ISIPS बने। क्या आज से पहले बने इतने? क्यों बने? क्योंकि पारदर्शिता है। वो अलग दिमाग है लोगों का, मोदी गलत है, मोदी गलत है, जिसकी समझ में जो गलत है वो गलत है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है, आप पढ़े लिखे मुझे नजर आ रहे हैं, आपसे बात करने मुझे अच्छा लगा, आपने कुछ चीजें मुझे वो बताई कि 2014 के बाद जब सरकार बदली, 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार मोदी बने, 16 आया, फिर 17 आया, उसके बाद एजुकेशन का हब एक तरीके से एजुकेशन का स्तर बदला लगे। लेकिन जब ये कहा जाता है कि भाजपा सरकार तो हिंदू मुसलमान करती है, भाजपा सरकार तो हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगती है, भाजपा सरकार तो हिंदू मुसलमान करके गद्दी पर बैठती है, तो नहीं लगता है कांग्रेस ने नहीं मांगे वोट? मुरादाबाद कांड हुआ था, किसको अरेस्ट किया गया?
आपको, आप तो पत्रकार हो, आपको मालूम है ना कौन उसमें एक्यूज बना कि हाँ मुरादाबाद कांड में किसको, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तभी तो कांग्रेस थी, किसको अरेस्ट किया, सबको क्लीन चिट है ना, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तब कांग्रेस थी, अखिलेश था, क्या हुआ आज मोमडन है ना, घर छूट गए सबके, मोदी है सबको घर दे रहा है, उसने जब घर दिया तब देखा ये मुसलमान है हिंदू है, आप बोलो ना, वो देखने को तो एक एक नोट के दो पहलू होते हैं, एक तो फैड एक तो टैल, आप फैड देखो तो टैल नहीं दिखेगा, टैल देखो तो हेड नहीं दिखेगा, आप देखो ना अपोजिट भी देखो, हाँ कुछ जगह गलत हो सकता है आपकी निगाह में, मेरी निगाह में, लेकिन मेरी निगाह में बहुत जगह अच्छा है। आप मानते हैं कि जो गठबंधन बना है वो फेल हो जाएगा या फिर लग रहा है 100% फेल है, उनकी पॉलिसीज कुछ नहीं है, गठबंधन के खुद जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतने के बाद फिर मोदी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो वहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि मेरे नेताओं को मोदी हार हार का उनका डर लग रहा है इसलिए वो जेल भेज रहे हैं। आपने अपने मोदी को, आपने अपने MPs को या MLA को क्या शिक्षा दी कि वो मोदी की तरफ क्यों जा रहे हैं, अगर आप सही हैं तो स्ट्रॉन्ग रहे हो ना, उनके जो भी CBI या ED है जो भी है उनके सामने बैठ के उनका डरा देते हैं CBI ED से, तो उनका जवाब दो ना, आप मुझे डरा के दिखाओ ना, आप कुछ बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा ना आपके जवाब का, आपके पास होना चाहिए तथ्य रखने के लिए, अगर मैं चोर हूँ और पुलिस आ रही है मुझे पकड़ने के लिए और मैं दब रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो मैं चोर हूँ। जी को संदेश देंगे आप यहाँ से? हाँ केजरीवाल को संदेश देंगे, चोर कह रहे हैं मोदी जी मुझे परेशान कर रहे हैं, मोदी जी को डर लग रहा है, चुनाव हारेंगे मोदी जी, मोदी की गद्दी गई, चोर चोर मोसेरे भाई, केजरीवाल का ये संदेश, जैसे ये थे ऐसे हुए, मोदी के सामने कितने भी टिक लेना कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा, और लिख के दे रहा हूँ जिसको डर है मेरे साथ वो इस बात के लिए आगे सामने बात करे, जो काम मोदी ने किया है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया, मैं हालांकि मोदी को वोट नहीं दिया आज तक, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप बाहर फील्ड में निकलो ना आपको पता चलेगा। यार आप खुद सोचो कि एक बंदे ने वोट तक जिस बंदे को नहीं दिया, कहता है मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ मैंने वोट नहीं दिया, हालांकि जुम्मे की नमाज पढ़ झूठ नहीं बोल रहा होगा, कहता है कि भाई मैंने आज तक मोदी को वोट नहीं दिया, लेकिन उसके काम जो उसने किए ना देश के लिए, उसने भाई साहब कहता है कि कांग्रेस ने हमें 5 रुपए लगाई, अबे यार वो एक मुसलमान ही ये भी कहता है कि कहता है हम लोग गटर साफ करते, बिल्कुल कहता है कि हम लोग झाड़ू पोछा करते थे, क्यों, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता था, हमें पढ़ाया नहीं जाता था, कहता है जब से मोदी आया आज मुसलमानों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने शिक्षा आम कर दी, मोदी जी ने बोला है था कि एक हाल में तुम कंप्यूटर रखो एक में कुरान रखो तुम खुद आगे बढ़ोगे, बिल्कुल यार मोदी कैसा यार बंदा है, पाकिस्तानी हया से तुम शर्म के मारे डूब के मर जाओ, उधर का लोग ये बात मानना है, मुसलमान मान रहा है कि भाई अगर ये मोदी जी ने जो मुसलमानों को जितना उठाया उतना तो कोई उठा नहीं सकता 10 सालों में, मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तानी गटर के पानी में अपना मुंह मार के ना ये मर जाए, कि भाई सब तुम उसके बारे में कितना गलत बोलते हो, उधर का उल्टा मुसलमान का कह रहा है हमें एजुकेशन में आगे बढ़ाने वाले है, आज जो डॉक्टर हमारे इंजीनियर बच्चे बने हुए हैं जो आई एस आई वो कहता उसके अंदर 70% मुस्लिम सिलेक्ट हुए हैं, सत्तर परसेंट भाई ये हमारी एजुकेशन है, कहता है कि जो पुराने लोग आज जो गटर साफ करते हैं या वेटरी कर रहे हैं या पंचर लगा रहे हैं वो तो अब कर ही रहे हैं, लेकिन कहता है वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं मोदी जी की वजह से, आना अगले 10 सालों में देखना कि मुसलमान नेक्स्ट लेवल पे मिलेगा आपको यस मोदी जी की वजह, मोदी जी की वजह, यार देखो यार कैसा है, देखो जिन मुसलमानों ने मोदी जी को वोट भी नहीं दिया इंडिया के वो भी उसके साथ है, काम देख रहे हैं ना, हर चीज देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इस बार मैं कहता हूँ मुसलमान 80-90% मोदी जी के साथ, मुझे बिल्कुल सही बोला, सही बोला, मुसलमानों की सारी वोट मोदी के साथ, निकलते हुए आके वो बोल रहा है वो बंदा कि भाई साहब देखो मुसलमान तो पहले यही थे, कहता है कि जब ये घर मिलते होते थे फिर इस तरह योजनाएं मिलती थी, कहते हैं कांग्रेस देखती थी हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, बिल्कुल कहता है ये मोदी जी जब से आए सबको घर मिले योजनाएं मिली, उसने कभी नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, बिल्कुल सबको दिए, कहता है मैं डंकी की चोट पर ये बात कहता हूँ मैंने वोट नहीं दिया लेकिन जो चीज उसकी है वो मैं बोलूंगा, बात तो उसने सच्ची की है ना, सच्ची की और खरी की है, और उधर मैं ये भी बात कर रहा था देखो सामने मस्जिद थी, सामने मुसलमान नमाज पढ़ गया उधर, तो किसी ने नहीं रोका इसको नमाज ना पढ़, ये तो हम बोलते हैं कि तो नमाज भी नहीं पढ़ने देते तो जुल्म करते हैं, तो वो बोलता है मैं जुम्मे की नमाज पढ़ गया हूं, पूरे पाकिस्तान में चला दो यार ये वीडियो, सबको सच्चाई दिखा दो, क्या है हम पाकिस्तानी मुसलमान आज क्यों भिखारी हैं, क्योंकि हमें मदरसा छाप रखा है, मदरसा छाप रखा है, यार देखो एक दुनिया की एजुकेशन भी है ना वो ही नहीं पढ़ाओगे तुम कैसे आगे, बिल्कुल
मदरसा में तो आपको ठीक है, आपको इस्लाम के बारे में सिखाया गया, तो वो तो एक आपका रिलीजन है ना, दुनिया का क्या? बिल्कुल सही, दुनिया का क्या? ये हमारे हालात बन चुके हैं, लेकिन मोदी जी ने भारत के मुसलमानों को इस चीज से निकाला और आज रिजल्ट देख। बिल्कुल, वजह एक और बात भी बोलूं, कांग्रेस ने भी जो काम किए वो ठीक नहीं किए ना यार, मुसलमानों के साथ ज्यादती की है, आज तभी तो मोदी जी के साथ है खड़े हो गए क्योंकि आज उनको रियलिटी नहीं पता लगा। शुरू में वो मोदी जी के साथ नहीं थे मुसलमान, कांग्रेस करते थे क्योंकि कांग्रेस ने उनको दिया ही इतना था, लेकिन भाई साहब जब मोदी जी ने दिया ना तो अब मोदी जी के कदमों में गिर गए। कदमों में गिर गए यार। आपके क्या थॉट है भाई? इधर वीडियो खत्म करते।